अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2es इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये फर्स्ट दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी जो लिखते थे, इसी को t यहां पे लिख दिया है और a यहां पे लिख दिया है, चीज वही है। ठीक है, एक्सीलरेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको ही यहां पे लिखा है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला से हम लोग लेके आगे चलेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी, टी के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए पुट कर दिए यहाँ पे t के जगह पे, ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे अगेन t का वैल्यू जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, जो t स्क्वायर है उसको, इस वाला जो इक्वेशन है इसमें टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। अब इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप में आने के लिए, सेकंड स्टेप में आने के लिए 2a से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो s के साथ 2a लग गया, ठीक है, यहाँ पे जब 2a आएगा तो 2 का 2 रह गया, u का u रह गया, और जो a था नीचे वाले a से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a जब आया था तो 2u v माइनस u बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से नीचे वाला 2 से कट जाएगा, और जो a रहेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से कट जाएगा, तो v माइनस u का होल स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें आ गए, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे 2a से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब और आगे बढ़ेंगे, 2as को आगे नीचे देखेंगे और इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और यहाँ पे इसको भी तोड़ देंगे, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे वी स्क्वायर माइनस टू टू यू यू वी प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, टू यू वी प्लस वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2as का 2s हो गया, 2uv पॉजिटिव और 2 माइनस 2ab, ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ पे जो 2u स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 2s का माइनस u स्क्वायर बचेगा, और v स्क्वायर का v स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये v स्क्वायर का v स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और ये माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 2as का 2s हो गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल जो हमारा आ गया यहीं पे प्रूव्ड हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी निकल के आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का सहायता लेना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन निकलेगा।